हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ चाइनीज कम इंडियन एक्सटेंशन कॉर्ड। इसका नाम मैं चाइनीज कम इंडियन इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये चाइना में कम सेल है और इंडिया में ज़्यादा सेल है। इसका कारण है, इसका दाम हमारे यहाँ 60 से 70 रुपये में मिल जाता है और अगर आप इंडियन एक्सटेंशन कॉर्ड दीजिएगा, ये गोल वाला, तो मिनिमम आपको 120 110 इससे नीचे नहीं मिलेगा। तो आदमी लोग सोचते हैं कि सस्ता में हमें अच्छा मिल जाए, तो उसके लिए ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है, देख लीजिए सिम्टम इसका जो है, वायर ही ख़राब हो जाता है, यानी तो इसका मेन प्रॉब्लम ये देखिए, इसका स्विच ही ख़राब है, ये स्विच ही ख़राब हो जाता है। कोई भी एक्सटेंशन कॉर्ड लीजिएगा उसमें कम दम का, तो उसमें स्विच ही ख़राब हो जाता है, इसका तो स्विच ख़राब है। खैर देख लेते हैं इसका सिम्टम क्या है। ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है, यानी स्विच ख़राब है, फिर भी देख लेते हैं हम कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं जल रहा है, किसी में भी नहीं जल रहा है। चलिए हम इसे खोल के देख लेते हैं इसका फॉल्ट क्या है। सबसे पहले आप इसको एक टेस्टर से ही ठीक कर सकते हैं, आपको मल्टीमीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंशन कॉर्ड अक्सर टेस्टर से ही ठीक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें लाइन दिया, अब मैं टेस्टर से इसका जो कॉर्ड का जो लाइन आया है, एक स्विच में गया है, देखिए एक में लाइन आ रहा है और दूसरा इधर न्यूट्रल गया है इधर, तो न्यूट्रल में तो लाइन नहीं आएगा, स्विच में आ रहा है। तो स्विच के बाद इधर से इधर जा रहा है कि नहीं, इधर नहीं आ रहा है, इसका स्विच ही ख़राब है। देखिए इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। अब मैं इस स्विच को शॉर्ट करूँगा, इंडिकेटर जल जाएगा, देखिएगा। देखिए चलिए, इंडिकेटर शॉर्ट हो गया, ये टेस्टर मेरा यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो गया था, उड़ गया इंडिकेटर। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो है यहाँ लाइन आ रहा है और दूसरा तार में लाइन नहीं आ रहा है, तो आपका तो कॉर्ड ठीक है कि नहीं ठीक है ये आप कैसे जानिएगा। देखिए एक तार में आ रहा है, इधर रेड वाला में आ रहा है, अब आप क्या कीजिएगा, प्लग को उलट दीजिएगा, उलट के देखिएगा इसमें आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपका कॉर्ड ख़राब है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इधर आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है, अब हम उलटेंगे तो इधर आएगा इधर नहीं आएगा, ठीक है। इधर हम उलट देंगे तो आप देखिएगा इधर आना चाहिए, देखिए इधर नहीं चल रहा है लेकिन उलट देने के बाद इधर आना चाहिए। मैं प्लग को उलट दिया हूँ, अब देखिए इधर आ रहा है कि नहीं, हाँ इधर आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ये कॉर्ड सही है, ठीक है। आपका खाली स्विच बदल देने से ही हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ, स्विच को बदलने से पहले इसमें जो है रेजिस्टेंस तो ठीक है, आप इसमें एक तार लगा दीजिए यहाँ से यहाँ, स्विच तो अभी बदलाएगा नहीं, तो अभी हम तत्काल तार लगा के इसको चालू कर देते हैं। साफ करना पड़ेगा,
आप कोई ब्लेड या कुछ से साफ कर लीजिएगा तब सोल्डरिंग पकड़ेगा। इसमें ऐसे साफ करके मैं इसे लगा देता हूँ। लगाकर टेस्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एलईडी चेंज कर लूँगा। देखिए जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एलईडी बदल के दिखा देता हूँ। एलईडी इसका ख़राब हो गया। एलईडी को हम खोलते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ये निकल गया, अब दूसरा एलईडी में लगा देता हूँ। मेरे पास तो ये बड़ा एलईडी नहीं मिला, ये छोटा एलईडी ही मैं लगा देता हूँ इसमें। देखिए जल गया, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसे पूरा लगा दीजिए। अब पैक कर दीजिए। मैं इसे लगा दिया हूँ। अब देखिए ये देखिए जल गया, अब स्विच कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, एक लाइक मार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।